जिंदगी औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले सतना के लिए एक अच्छी खबर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहर के कोलगमा में बनी एयर स्ट्रिप को अब 2B कैटेगरी के एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किए जाने का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से अनुमति के बाद यहां से 19 मीटर विमानों का परिचालन हो सकेगा। इस काम के लिए 30 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसे 6 माह में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। जानकारी के मुताबिक सतना एयर स्ट्रिप को 2B कैटेगरी एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। शुरुआती चरण में एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ की बाउंड्री वॉल की हाइट 8 फीट करने के साथ उसमें 1.5 फीट ओवरहैंग लगाया जा रहा है। परिसर के अंदर ही टर्मिनल बिल्डिंग, फायर एवं रेस्क्यू डिपार्टमेंट, ATC टावर, सिक्योरिटी एवं सेफ्टी, कूलिंग एवं फायर पिट के निर्माण के अलावा एयर स्ट्रिप के रनवे को बेहतर बनाया जाएगा। एक तरह से एयरपोर्ट से संबंधित सभी तरह के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा। सतना एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किए जाने का कार्य AAI भोपाल के अधिकारियों की देखरेख में हो रहा है। इसके लिए प्रबंधक अभियांत्रिकी अधिकारी की नियुक्ति भी की जा चुकी है। AAI भोपाल की टीम करीब 3 माह पहले एयर स्ट्रिप का सर्वे का काम किया था। कार्य प्रारंभ करने पर नए सिरे से योजना के मुताबिक होने वाले निर्माण के लिए एक बार फिर से ग्राउंड का सर्वे किया जा रहा है। सर, फायदा ये मिलेगा कि लोग जो यहाँ वहाँ सफर कर रहे हैं, बस से, ट्रेन से जा रहे हैं, काफी सारा समय लगता है उनको आने जाने में, तो समय की काफी सारी बचत हो जाएगी। यहाँ की जो जनता है, सतना, रीवा, नागौर, आसपास का जो भी हमारा एरिया है, और बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिल सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे सतना शहर में एक बार फिर से जिस प्रकार से दिल्ली की टीम चाह रही है कि जैसे 19 सीटर विमान उतरे, तो आप लोगों की क्या, जैसे आप शहरवासी यहाँ के, सतना स्मार्ट सिटी है, तो क्या मांग करते हैं कि 19 सीटर से ज़्यादा मतलब कि विमान उतरना चाहिए, क्या कहते हैं? सर, ये तो डिपेंड करता है, देखते हैं कि पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, कैसा, जो भी जैसा होगा